तो भाई जैसा कि तुम जानते ही हो कि हाल ही में आईपीएल 2024 के ऑक्शन में बवाल मच गया, धोती का फटके रुमाल हो गया जब पैट कमिंस को 20.5 करोड़ में उठाया गया और उसके बाद स्टार्क को 24.75 करोड़ में उठाया गया। अब क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मिचेल स्टार्क आईपीएल 2024 का मोस्ट ऑफ द सीजन मिस करने वाले हैं। अगर आप केकेआर फैन हैं तो कसम से आपका मन कर रहा होगा कि जूता उठा के आप मेरे मुंह पे मार दें। लेकिन भाई देखो, मैं जो कह रहा हूं ना वो पूरे तरीके से सत्य नहीं है। असल में कहानी ये है कि कल के दिन चारों तरफ सोशल मीडिया पे खबर फैल गई कि मिचेल स्टार्क की जो वाइफ हैं एलिसा हीली, वो 5 मंथ प्रेग्नेंट हैं और जिस वक्त पे आईपीएल खेली जा रही होगी उस वक्त पे मिचेल स्टार्क अपना बच्चा यहां पे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, जिसके चलते या तो वो पूरी आईपीएल या फिर मोस्ट ऑफ द आईपीएल मिस कर सकते हैं। अब देखो, जब ये पोस्ट वायरल हो रही थी ना तो शुरू शुरू में लोग सदमे में आ गए, लेकिन जब इस पोस्ट की तहकीकात करी गई तब पता चला कि भैया यूं ही हवा फैला रखी थी। और भाई देखो, अगर सच में ऐसा कुछ हो भी जाता ना तो गौती भाई सबसे पहले तो मिचेल स्टार्क के पास जाते, तो खींच के कंटाप लगाते और सेम टाइम पे ये भी कहते, भाई देखो आईपीएल तो खेलनी पड़ेगी, बच्चा जो है वो मैं संभाल लूंगा। रोते नहीं। अरे रोते नहीं यार। लेकिन भाई देखो, मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहूंगा कि ये जो बात मैंने अभी अभी कही, ये गलती से सच हो गई ना, किसी भी वजह से अगर मिचेल स्टार्क पूरी आईपीएल नहीं खेलते हैं तो इससे बड़ा भाई मोए मोए मोमेंट और कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन देखो भाई, उम्मीद पूरी करते हैं कि जितने भी प्लेयर्स को आईपीएल 2024 के ऑक्शन में उठाया गया है, ये सारे के सारे प्लेयर्स आईपीएल 2024 खेलें, पूरी खेलें, क्योंकि भाई देखो मजा ही आईपीएल देखने का तब आता है जब कॉम्पिटिशन हो, सारे प्लेयर्स खेल रहे हो, बड़े बड़े अवेलेबल हो, तभी तो एकदम कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन भाई जो भी कहो, स्टार के आने से केकेआर की जो टीम है वो मजबूत तो हो गई है, क्योंकि पहले तो केकेआर के मोस्ट ऑफ द जो प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी टीम का हिस्सा थे वो बहुत ज्यादा तगड़े फॉर्म में चल रहे हैं, चाहे सुयश शर्मा हो गए, चाहे वरुण चक्रवर्ती हो गए, चाहे आंद्रे रसल हो गए, चाहे श्रेयस अय्यर हो गए, चाहे रिंकू सिंह हो गए, उसके अलावा वेंकटेश अय्यर वगैरह भी जो प्लेयर्स हैं ये भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं। तो भाई जितने भी मेन प्लेयर्स टीम में शामिल है ना, सबके सब T20 फॉर्मेट में एक नंबर परफॉर्म कर रहे हैं और ऊपर से गौती भाई का मेंटर के रूप में ये जो तड़का लगा है ना टीम में, चाहे भाई जितनी बुराई कर लो उसकी, लेकिन फायदा तो केकेआर को इसका बहुत मिलने वाला है। किस किस को लगता है कि केकेआर वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव टीम होगी आईपीएल 2024 की, जिसको भी यकीन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन देखो भाई, जहां केकेआर के प्लेयर एक नंबर फॉर्म में चल रहे हैं तो वहीं पे भैया कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई है, हो रही है, से हुई नहीं है, अभी करंटली भी बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है और उनको यहां पे इंसाफ मिलना ही चाहिए, क्योंकि चारों तरफ सोशल मीडिया पे पूरा देश जो है वो इन लोगों के लिए इंसाफ मांग रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन है जिनके लिए पूरा देश इंसाफ मांग रहा है, तो भाई वो तो मैं बता ही रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ मांगू कि आप अगर अपने पिताजी से, अपने दोस्त या फिर अपने रिश्तेदारों से पैसा मांगते रहते हैं तो वो आपको मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको यहां पे ऑलरेडी बता चुका हूं कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट लिंक मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट प्रिया के टेलीग्राम चैनल का, वहां पे जाइए, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके मस्त भैया डीएम करिए, उसके बाद देखिए क्या कमाल होता है। किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भैया एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिलेंगी सारे मैचेस के लिए जितने भी उस दिन खेले जा रहे होंगे, बस उन प्रेडिक्शन को उठाओ, टीम वगैरह बनाओ, मस्त जाके प्रेडिक्शन वगैरह करो और भाई कंफर्म पैसा कमाओ, क्योंकि भाई 90% से भी ज्यादा एक्यूरेसी वहां पे मिलती है जो कहीं भी नहीं मिलने वाली। इसीलिए भाई कह रहा हूं, मैचेस बहुत सारे चल रहे हैं, तुम सारे मैचेस फॉलो तो नहीं कर रहे होगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उन मैचेस से हम पैसा भी नहीं कमाए। तो भाई कुछ मत करो, जैसा मैंने कहा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, फ्री में प्रेडिक्शन उठाओ, मस्त टीम बनाओ, मस्त प्रेडिक्शन करो और किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, क्योंकि मस्त अपने बलबूते पैसा कमाओ, हम कमा रहे हैं इसीलिए आपको बता रहे हैं, बाकी आप समझदार हैं, जो ठीक लगे वो करिए, खैर आपको तो जो ठीक लगेगा वही आप करेंगे। लेकिन फिलहाल भाई कुछ प्लेयर्स हैं जिनके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी करी जा रही है, इसमें सबसे पहला नाम चारों तरफ सोशल मीडिया पे जिसका घूम रहा था वो है नन अदर देन रिंकू सिंह, क्योंकि फिलहाल रिंकू सिंह जो केकेआर के साथ एसोसिएटेड हैं उनका प्राइस क्या है, मात्र 55 लाख का, और भाई जिस तरीके से करोड़ों में पैसा बहाया जा रहा है, हर कोई यही कह रहा है क्या सच में रिंकू सिंह जिस तरीके के फॉर्म में चल रहे हैं, क्या सच में वो मात्र 55 लाख का प्राइस यहां पे डिजर्व करते
करते हैं। उधर यश दयाल जो रिंकू सिंह से 5 छक्के खाए थे वो 5 करोड़ के बिक गए हैं, और इधर रिंकू सिंह जिन्होंने 5 छक्के मारे थे वो मात्र 55 लाख के। हालांकि यश दयाल जो 5 करोड़ के बिके हैं इसका ज्यादा क्रेडिट यहाँ पे यश दयाल को नहीं बल्कि मिलना चाहिए आरसीबी को, जो दिमाग बंद करके ऑक्शन में बैठी हुई थी और बिल्कुल एक ही लॉजिक यहाँ पे लगा रही थी, कौन सबसे घटिया प्लेयर है हाथ खड़ा करो हम खरीदेंगे। लेकिन रिंकू सिंह जैसे प्लेयरों के लिए यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि हाल ही में बीसीसीआई की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पे ये बताया गया था अगर कोई प्लेयर पिछले आईपीएल सीजन में अनकैप्ड था और अगला आईपीएल सीजन आने तक उसने इंडिया के लिए अगर खेल लिए हैं कम से कम 10 इंटरनेशनल मैचेस तो उसका जो भी प्राइस है वो डबल हो जाएगा। लेकिन एक शर्त थी कि वो प्लेयर कम से कम पिछले सीजन में 50 लाख का तो बिकाई होना चाहिए। तो बस रिंकू सिंह कितने के हैं, 55 लाख के, और 10 इंटरनेशनल मैचेस आराम से खेल लेंगे वो जब तक यहां पे आईपीएल 2024 शुरू होगा, तो उनका प्राइस जो है वो 1 करोड़ 10 लाख हो जाएगा। हालांकि ये भी बहुत कम है लेकिन फिर भी 55 लाख से तो बेहतर ही है। क्या आपके पास ऐसा कोई आइडिया है जिसका इस्तेमाल करके हर प्लेयर को एक जस्टिफाइड अमाउंट मिल सके जो उनके टैलेंट के साथ कहीं ना कहीं इंसाफ करे? अगर आपके पास ऐसी कोई तरकीब है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और देखो मुझको ऑक्शन में एक और लूपहोल नजर आता है जिसकी वजह से जेरार्ड कोर्जी जैसा जो बॉलर है वो मात्र 5 करोड़ का बिका। हालांकि कोई बहुत बड़ा बॉलर भी नहीं है लेकिन फिर भी लोगों ने ये होप रखी थी कि बंदा 10-12 करोड़ के आसपास तो जाएगा। जहां भाई 21 करोड़ 25 करोड़ के करीब पहुंच गए हैं बॉलर, वहां पे कोर्जी क्या 10-12 करोड़ भी डिजर्व नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे। लेकिन खेल असल में यहां पे ये हुआ कि जब कोर्जी के नाम पे ऑप्शन खेला जा रहा था उस वक्त पे स्टार का नाम ही नहीं खुला था, तो लोग घबराए हुए थे, ज्यादा पैसा खर्च करने से बच रहे थे कि स्टार का नाम आने तक कहीं पूरी रकम ही ना उड़ जाए, जिसके चलते कोर्जी मात्र 5 करोड़ में निपट लिए। अगर कोर्जी का नाम स्टार के बाद खुला होता ना तो मैं गारंटी दे रहा हूं कम से कम बंदा 10-12 करोड़ का तो बिकता ही बिकता। लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है, मुंबई का तो फायदा ही हुआ है, 5 करोड़ में एक नंबर बॉलर मिल गया उनको। वैसे तुम्हारे मन में ऐसा कोई नाम आ रहा है जिसको आईपीएल 2024 में अपनी काबिलियत के अनुसार थोड़ा सा ज्यादा पैसा मिल रहा है, और ऐसा कोई नाम जिसको अपने टैलेंट के अनुसार कम पैसा मिल रहा है? जो भी वीडियो देख रहा है दोनों ही कैटेगरी में एक एक नाम कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। वैसे भाई जहां अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे आरसीबी टीम की जिन्होंने बहुत ही घटिया बहुत ही वाहियात यहां पे ऑक्शन खेला, पर मैं बताना चाहूंगा कल के दिन एक और खबर सामने आती है कि आरसीबी जो है वो इंस्टाग्राम पे एशिया की सबसे ज्यादा पॉपुलर स्पोर्ट्स टीम बन गई है। लेकिन क्या फायदा भाई पॉपुलर बनने का, नहीं सच में क्या फायदा जब आपके पास दिमाग ही ना हो? भाई क्या फूक के लोग ऑक्शन करने बैठे थे, मेरे को भी वो चाहिए, कसम से गजब का माल रहा होगा। बाकी भाई मजाक असाइड, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं उसे सुन के हर भारतवासी का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाएगा, हर भारतवासी का जो सर है वो शान से उठ जाएगा, क्योंकि 9 जनवरी को मोहम्मद शामी को भाई अर्जुना अवार्ड से नवाजा जाएगा, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सम्मान है, और भाई मोहम्मद शामी इस सम्मान को 110% डिजर्व करते हैं। वैसे यहां पे मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछूं कि जिस तरीके से इस ऑक्शन में ये करोड़ों करोड़ों में प्लेयर बिके हैं भाई, 20.5 करोड़, 24.75 करोड़, तो अगर यहां पे सोचो, सिर्फ सोचो कि विराट कोहली अगर ऑक्शन में उतर गए होते तो आखिर उनकी कितनी बोली लगती, कितने में बिकते? एक बार भाई जो भी वीडियो दिखा रहा है ना कमेंट बॉक्स जरूर बताना। बाकी मैं तुम लोग को इस सवाल का जवाब दे ही देता हूं, क्योंकि कल के दिन आकाश चोपड़ा ने बताया कि अगर गलती से विराट कोहली इस आईपीएल में इस ऑक्शन में अगर खुल गए होते, अगर उन पे बोली लग रही होती और बजट की कोई सीमा नहीं होती, मतलब जो फ्रेश बजट होता है ना मेगा ऑक्शन के वक्त पे, हालांकि मेगा ऑक्शन में भी 4-5 प्लेयर आप रिटेन कर लेते हो अगर आपकी इच्छा हो तो, पूरा बजट यहां पे नहीं होता है, लेकिन अगर फ्रेश बजट हर टीम के पास हो तो आकाश चोपड़ा कहते हैं विराट कोहली कम से कम 42-45 करोड़ के बिकेंगे ही बिकेंगे। कौन कौन इस बात से एग्री करता है कमेंट बॉक्स जरूर बताना। चलो एक बहुत ही शानदार सवाल पूछता हूं, जो बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है कि कौन से 3 प्लेयर होंगे आपके हिसाब से जो अगर फ्रेश ऑक्शन हो जाए, एकदम भैया सबके पास पूरा पैसा पड़ा हो, तो कौन से वो 3 प्लेयर्स होंगे जो सबसे ज्यादा महंगे बिकेंगे? देखते हैं आपकी चॉइस क्या है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे मैं यहां पे एक हिंट दूं, मेरे हिसाब से ना जो प्लेयर सबसे महंगे
लहंगा असल में बिकना चाहिए वो जसप्रीत बुमराह होने चाहिए। हाँ कोहली रोहित वगैरह बिक सकते हैं, कोहली रोहित के कंपैरिजन में मेरे हिसाब से थोड़े से ज्यादा महंगे बिकेंगे। हालांकि रोहित शर्मा के पास जो प्लस फैक्टर है वो कैप्टेंसी का है, क्योंकि बैटिंग आईपीएल में उनकी बहुत एवरेज रही है, लेकिन वहीं पर कोहली के पास जो बेनिफिट है उनकी शानदार बैटिंग का है। पर फिर भी मैंने अक्सर देखा है कि भाई बॉलर्स पे ज्यादा पैसे यहाँ पे खर्च किए जाते हैं और बुमराह इंडियन है, इंडियन वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है, डेथ ओवर के कमाल के बॉलर हैं, शुरुआती ओवर के कमाल के बॉलर हैं, और फिलहाल तो उनका जो फॉर्म चल रहा है एकदम पीक पे चल रहा है, तो मेरे हिसाब से बुमराह पे एकदम भाई फाड़ के पैसा लुटाया जाता। खैर आप लोग की जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे जहां हाल ही में दुबई के अंदर कई सारे विदेशी प्लेयरों पे करोड़ों पैसा लुटाया जा रहा था, तो वहीं पे पाकिस्तान के प्लेयर्स मस्त भैया टीवी पे ऑक्शन देख रहे थे और सोच रहे थे कि जितने में ये लोग बिक रहे हैं अगर 1% भी इसका हमको मिल जाता साला पूरी जिंदगी क्रिकेट ना खेलते। पर फिर भी कल के दिन पाकिस्तानियों को एक छोटी सी खुशी मिली है, जो कि असल में खुशी है भी नहीं, वो खुशी असल में ये है कि बाबर आजम ओडीआई क्रिकेट में वापस से नंबर 1 पे आ गए हैं, क्योंकि शुभमन गिल जो हैं वो ओडीआई क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं, बस ऐसे ही बाबर भैया नंबर 1 पे आते हैं, वरना टेस्ट मैचेस चल रहे हैं पाकिस्तान के बहुत घटिया खेल रहे हैं बाबर आजम। खैर छोड़ो, तुम भी सोच रहे होगे कि इसमें क्या नई बात है। वैसे इसी बात पे मैं तुम लोगों से एक और सवाल पूछ दूं कि भाई मान लो गलती से बाबर आजम ऑक्शन में होते और सारी टीमों के पास पूरा पैसा पड़ा होता तो आखिर बाबर आजम कितने पैसों में बिकते? मेरे हिसाब से तो भाई 1 करोड़ में सिमट जाना चाहिए, क्योंकि T20 क्रिकेट के बहुत ही नॉर्मल प्लेयर हैं, स्ट्राइक रेट एकदम 2 कौड़ी की है। हमारे इंडिया के डोमेस्टिक क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं ना 10 गुना अच्छा खेलते हैं, उसके अलावा बेकार में उनको कहा जाता है कि अच्छे कैप्टन हैं, 2 कौड़ी कैप्टनसी करते हैं, कोई भी टैलेंट नहीं है, कोई भी ऐसा बहुत अनऑर्थोडॉक्स डिसीजन नहीं लेते हैं, तो भाई 1 करोड़ भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है। अगर खुद बाबर आजम से पूछोगे वो तो 1 लाख में मान जाएगा, क्योंकि इंडिया का 1 लाख जो है पहले तो पाकिस्तान का 3 लाख हो जाएगा, बस 3 लाख में तो बाबर आजम का घर बिक जाएगा। खैर आप लोग का क्या सोचना है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मैंने आपसे पूछा है कि अगर एकदम फ्रेश बोली लगती तो कौन से वो 3 प्लेयर्स होते, चाहे इंडिया के कह लीजिए चाहे बाहर के कह लीजिए, ओवरऑल कौन से 3 प्लेयर्स होते जिन पे सबसे ज्यादा पैसा लुटाया जाता, चाहे बैट्समैन हो, चाहे बॉलर हो, चाहे विकेट कीपर हो, चाहे कैप्टन हो, 3 प्लेयर आपको ओवरऑल यहां पे बताने हैं वर्ल्ड में। जो भी वीडियो देख रहा है इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना। उसके अलावा जल्दी से जाके जैसा मैंने कहा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से क्या करना है, जल्दी से जाके क्रिकेट एनालिस्ट प्रिया के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, क्योंकि भाई आज के दिन लगभग 4 से 5 मैचेस होने हैं, यानी 4 से 5 मौके हैं पैसे कमाने के, तो टाइम नहीं वेस्ट करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके बस एक बार व्हाट्सएप करिए और कहिए हमको प्रिडिक्शन दीजिए, फ्री प्रिडिक्शन उठाइए, मस्ती वगैरह बनाइए, अलग अलग प्लेटफॉर्म प्रिडिक्शन करके पैसा कमाइए, हम कमा रहे हैं इसीलिए आपको बता रहे हैं, कितनी बार कहूं मैं, बाकी आप समझदार हैं आपकी मर्जी, ये लाइन भी कितनी बार कहूं मैं, सच में आपकी मर्जी है, लेकिन मैं जानता हूं आपकी मर्जी में भी पैसा कमाना तो होगा ही ना, तो टाइम नहीं वेस्ट करने का, जल्दी से जाने का, वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।